नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में विलनेश्वर में हैं। इस समय मैं रूम के बाहर बालकनी में खड़े होकर आपको सी व्यू दिखा रहा हूं। आप देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है। पहले बहुत सारी हरियाली और उसके पीछे समुद्र। एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो हार्डली हम सी से कितना 300 मीटर दूर होंगे या 400 मीटर दूर होंगे। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है, पहले मैं नाश्ता करूंगा, उसके बाद हम विलनेश्वर बीच देखेंगे, फिर हम हेदवी जाएंगे। यहाँ से 7 किलोमीटर पे हेदवी है। सुना वहाँ पर एक रॉक कट है जिसकी वजह से एक नेचुरल फाउंटेन बन जाता है हाई टाइड के समय। फिर हम गुहागढ़ जाएंगे, यानी उल्टा 20 किलोमीटर जाएंगे क्योंकि गुहागढ़ से हम जंप करके यहाँ पे आ गए थे। फिर गुहागढ़ से हम चाह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे 4 बजे के आसपास चिपलून चले जाएँ, नाइट स्टे चिपलून में करेंगे। ये आज की हमारी प्लानिंग है और आज की प्लानिंग काफ़ी हद तक डिपेंड करती है इस बात पे कि मौसम कैसा रहता है, मतलब बरसात कितनी होती है, क्योंकि ज़्यादा बरसात से क्या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये जगह भी मेरे को अच्छी लगी है, MTDC की प्रॉपर्टी। जनरली जो मेन रीज़न है उसका ये है कि खुला सा वातावरण है, शांत है एनवायरनमेंट, लिमिटेड रूम्स हैं, मतलब लिमिटेड जो कॉटेजेस हैं। बाहर बैठने की जगह देखो कितनी प्यारी है, आप यहाँ बैठकर समुद्र आराम से देखते रहो, नाइस प्लेस। और वैसे भी मैंने देखा है कि जनरली जो टूरिज्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पास में मैंने हिमाचल टूरिज्म भी देखा और भी काफ़ी टूरिज्म देखे, उन लोग की लोकेशन बड़ी ऑसम होती है। तो चल के अभी नाश्ता करते हैं और बाकी दिन का प्लान अपना ऑन करते हैं। हम विलनेश्वर बीच पहुंच चुके हैं। पहले आप बीच देखो कितना जबरदस्त है, हाई टाइड का समय है, लहरें उठ उठ के यहां तक आ रही हैं और मौसम तो लाजवाब है। बीच के साथ ही एक छोटी सी ईटरी है, वो सामने लंच करना है या कुछ खाना है तो यहां पर खा सकते हैं। सामने देखो कितने सारे कोकोनट ट्रीज हैं। ओहो व्हाट एनवायरनमेंट, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। आसमान देखो सुबह से मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट कल भी मैंने देखा था, काले बादल, मतलब आसमान नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है बरसात हो सकती है और हवा इतनी तेज चल रही है, मेरे को बात करने के लिए भी डबल पिच पे बात करनी पड़ रही है। मेरे को लग रहा था ऑडियो स्लो आएगा इसलिए ऊंचा बात कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा बीच किनारे वॉक करेंगे। इस समय बीच में हमारे सिवा कोई भी नहीं है। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, लेकिन लोकल टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र टूरिस्ट कम आते हैं क्योंकि लोगों को इस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन दिस प्लेस इज सो गुड। मैं आपको इस बीच के बारे में 2-3 चीज़ और बताता हूँ। एक तो आप नीचे की तरफ देखो, सैंड, ये देखो सैंड को देख कर ना आप बोल सकते हो जैसे गोल्डन सैंड बीच, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर देखो कोकोनट ट्रीज, ब्रांचेज और पत्ते दोनों झूलते हुए जो दिखाई दे रहे हैं ना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस समय हवा कितनी ज़्यादा तेज है। और तीसरी चीज़ सामने देखो, कुछ बेंचेस हैं ऊपर की तरफ। अगर आप बीच किनारे नहीं आना चाहते या फिर कहीं बैठ के सनसेट देखना चाहते हो तो आराम से वहाँ बेंच पे बैठ जाओ या हवा का आनंद लो, मतलब आराम से बेंच पे बैठ कर मौसम इंजॉय करो। अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आके। चलिए काफ़ी हमने इंजॉय कर लिया, अब टेम्पल की ओर चलते हैं। नज़दीक में ही टेम्पल है। जैसा मैंने आपको बताया, समुद्र किनारे ही विलनेश्वर मंदिर है। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हमने जो भगवान शिव के दर्शन करे हैं, यहाँ पर लिंग स्वयंभू प्रकट है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, ये आदि काल से है। ऐसा कहते हैं जो पूरा कोंकण क्षेत्र है, मैं आपको कोस्टल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, आपसे मैं कोस्टल कर्नाटका और पूरे कोस्टल रीजन की बात कर रहा हूँ, ये पूरी धरती
भगवान परशुराम की धरती है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी है, उन्होंने समुद्र देवता से धरती अपनी तपस्या के लिए मांगी है। चिपलून में उनका एक टेम्पल भी है जो काफ़ी प्राचीन स्थान है, हम आज वहाँ पर भी जाएंगे। तो यहाँ आने के टूरिस्ट के जो प्राइमरी पर्पस होते हैं, एक तो ऑब्वियसली भगवान शिव के दर्शन करना, और दूसरा मैंने आपको बताया कि मंदिर के किनारे ही सी बीच भी है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हेदवी करके जगह है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर हाई टाइड के समय एक नेचुरल फाउंटेन बन जाता है क्योंकि रॉक कट है, वहाँ जाके वो देखेंगे। 10 मिनट पहले बरसात नहीं हो रही थी लेकिन अब बाहर देखो आप बरसात स्टार्ट हो गई है। एनीवेज चलते हैं और छतरी लेकर हम आगे की जर्नी करेंगे। हम हेदवी पहुंच चुके हैं। इस समय जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूं ना, ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी कि मेरी लाइफ के टॉप 100 व्यूज में से ये हेदवी का व्यू है। वर्ड्स कम पड़ जाएंगे इस ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। आप वहां से देखना शुरू करो पहाड़, इधर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज, और हम वहां से चलते चलते समुद्र के किनारे पे आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी चट्टाने हैं। आया तो मैं यहाँ पर था ये सोचकर कि मैं नेचुरल फाउंटेन देखूंगा कहाँ पे बनता है हाई टाइड के समय। अभी फाउंटेन तो मेरे को पता नहीं लग पा रहा कहाँ बनता है, थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, छतरी लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ खड़े होके व्यू जो मैं देख रहा हूँ, मेरे लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट व्यूज में से ये व्यू है। हाई टाइड के समय देखो लहरें समुद्र की कितनी उठ उठ के आगे आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र के बीच में खड़े होके देख रहे हैं, और बरसात साथ साथ हो रही है ना, तो इसने 4 चांद लगा दिए हैं इस नज़ारे को। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ओह सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वो आप क्या करना पड़ेगा अपने को, वो नेचुरल फाउंटेन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, क्योंकि हाई टाइड के समय दिखाई देता है। तो धीरे धीरे यहाँ आगे जाएंगे, और मेरे को अपने गोप्रो लेके जाना होगा क्योंकि ये कैमरा में पानी जा सकता है। सही बताऊं आज यहाँ पर आके ना मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया, ऐसा व्यू देख के आई एम सो हैप्पी। आप देखो ना क्या जबरदस्त नजारा है, थोड़ा मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। देखो ये देखो क्लोजअप में समुद्र की लहरें इन पत्थरों को जो टकरा रही है ना, अभी देखो 5 मिनट पहले हम वहां सामने टेम्पल में थे, वहां से वॉक करते करते हम 50 मीटर आगे आ गए हैं। हमको पता है सामने उस तरफ जाना है, आप देखो वो पत्थरों के पीछे, वहां चलकर हम वो नेचुरल फाउंटेन जो है ना वो देखेंगे। आओ जी, ओहो ओहो ये पानी देखो कहां से आ रहा है, अब मैं समझ गया ये हो क्या रहा है। हाई टाइड के समय है ना, सामने से समुद्र का पानी इन दो बड़े बड़े रॉक्स के बीच में आता है और इतनी तेजी से आता है कि पानी जंप करता है। तो मैं यही देखने आया था नेचुरल फाउंटेन, अभी देखना आएगा। ओह देखो क्या बात है, क्या बात है, ओए अल्टीमेट अल्टीमेट। बताओ मैंने जिंदगी में कभी ये नज़ारा अपनी नज़रों से नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ, सिर्फ मैंने सुना था कि कुछ जगह ऐसा होता है। अभी देखना दोबारा से आएगा, ये देखो ओए होए, पिछले 15-20 मिनट से मैं सेफ डिस्टेंस से ये नेचुरल फाउंटेन देख रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन हमें गलती से भी उसके पास वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि जहाँ पर दो चट्टान के बीच गैप है ना, अगर आप वहाँ पर सोचोगे कि मैं इसको नज़दीक से झुक के देखूँ तो सुपर रिस्की है, क्योंकि क्या होता है जब पानी अंदर आता है ना तो उसके बाद वापस जाते समय वहाँ पर एक वैक्यूम सा बनता है और वो हवा नीचे खींचती है। तो सेफ डिस्टेंसेस नेचुरल नज़ारे को आप इंजॉय करो, बड़ा मज़ा आएगा। कुछ देर पहले बरसात रुक सी गई थी और वापस अब बरसात आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो जी
अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज का ये विजिट मेरा यहाँ का इतना अच्छा रहा कि अब मेरे पास फर्दर वर्ड्स खत्म हो गए कि इस ब्यूटी को और कैसे डिफाइन किया जाए। सुपर्ब सुपर्ब। तो कुल मिला के बात ये है कि जब आप यहाँ पर आ रहे होंगे तो यहाँ पर आइए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको ये ब्यूटी देखनी है, इसको बामन गल बोलते हैं, बामन गल, तो ये आपको केवल हाई टाइड के समय ही दिखेगी। लो टाइड के समय तो पानी पीछे चला जाएगा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गुहागर जाने के लिए, जो यहाँ से लगभग कितना 28 से 30 किलोमीटर दूर है। ये देखो काई जमी हुई है, गलती से ऐसी जगह पांव रख दिया ना तो फिसलने की फुल गारंटी है। ये टेंपल है जिसके बाहर हम कुछ देर पहले खड़े थे, वो सामने चट्टान के पीछे वो नेचुरल फाउंटेन है जिसको देखने के लिए हम गए थे, और ये आपके सामने अरेबियन सी। चलो जी अब हम यहाँ से गुहागर को निकलते हैं। हम गुहागर पहुंच चुके हैं। आज तो ना बारिश ने कमाल कर दिया है, लगभग 3 घंटे हो गए नॉनस्टॉप बारिश चल रही है। बीच में 15 मिनट के लिए थोड़ी स्लो हुई थी, वापस चालू है। एनीवेज पहले हम लंच करते हैं। हमने यहाँ पर ना अन्नपूर्णा, आप सामने देख रहे हैं, इनको ऑलरेडी बोल दिया हमारे लिए एक वेज थाली तैयार कर दो, तो 5-10 मिनट में आपको हम यहाँ की वेज थाली दिखाते हैं, लंच करेंगे और उसके बाद नज़दीक में एक बहुत प्राचीन मंदिर है विजिट करने चलेंगे। आप थाली में देख लीजिए क्या क्या है। गोभी की सब्ज़ी, ये है काला बटाना, दाल, दही, श्रीखंड, चपाती और चावल, साथ में सोल कड़ी। कोकोनट मिल्क और कोकम से सोल कड़ी को तैयार किया जाता है। आपको दिखाने के लिए ना मैंने कोकम भी मंगवा लिया है, अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो ऐसा कोकम दिखता है। फिलहाल ये ड्राइड फॉर्म में है क्योंकि इसका सीज़न अप्रैल मई तक रहता है, तो उसके बाद ड्राई करके 1 साल तक कोकम को चलाया जाता है। चलिए एकदम होमली टेस्ट है, मसाले ना के बराबर और सब्जी का स्वाद हमें फुल आ रहा है। गुड, वेरी नाइस। काला बटाना भी टेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। काफी समय के बाद मैं काले मटर से बनी हुई कोई डिश खा रहा हूं। वेरी वेरी टेस्टी, मजा आ गया। ले आए। मेरे को ये काला बटाना उसल इतना स्वाद लगा कि मैंने इसकी एडिशनल सर्विंग मंगवा ली। मालूम है इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है मेरे को, काला मटर का तो स्वाद है ही अच्छा, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए इन्होंने खोपरा भी डाला हुआ है। ये देखो आप, नारियल। वाओ, क्या स्वाद है, अल्टीमेट। अभी तक मैंने जहां जहां सोल कड़ी का टेस्ट एंजॉय किया ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इसमें वो रेशो का हिसाब किताब होता है ना कि अदरक, लहसुन, थोड़ा सा जीरा, सब क्या रेशो में डलेगा। अदरक लहसुन का जूस निकाल के कोकोनट मिल्क के साथ ऐड करते हैं। टू गुड, मज़ा आ गया। लो जी अब श्रीखंड का नंबर है। दही में से पानी निकाल के श्रीखंड बनाया जाता है, इलायची डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, बहुत स्वादिष्ट है। आज जो मैंने यहाँ पे लंच किया ना, इसमें 2-3 चीज़ें जो मेरे को बड़ी पसंद आई हैं, काला बटाना, काउसल, सोल कड़ी और ये श्रीखंड, लवली। एक चीज़ और होती है, जब आप कहीं बैठ के कुछ खा रहे होते हो ना, तो फूड के अलावा और चीज़ें भी आप सोच रहे होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइजीन। ये फैक्टर मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा। खिड़की से बाहर देखो कितनी हरियाली है, पेड़ है, तो बारिश हो रही है, तो ये भी अच्छा लगता है कि आप
लंच कर रहे हो, सामने बरसात हो रही है, इतनी सारी ग्रीनरी, फूड फिनिश करके नज़दीक में मैंने आपको बताया कि प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे चलेंगे। गुहागर की पहचान व्याडेश्वर टेम्पल से है। इस समय कोविड के बाद ये टेम्पल रीओपन नहीं हुआ, तो हमने दर्शन बाहर से ही करे और आपको भी दर्शन हम बाहर से ही करवा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, भगवान परशुराम ने व्याड मुनि को कहकर यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, लिंग कितना प्राचीन है जो यहाँ पर आप विजिट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए स्ट्रक्चर भी 12th सेंचुरी से यहाँ पर है, तो अभी रिसेंट में इन्होंने पेंट किया, जिसकी वजह से पहले ब्लैक स्टोन से हुआ करता था स्ट्रक्चर, अब कलर थोड़ा चेंज लग रहा है, इसकी वजह से हम इसको कितना प्राचीन है जज नहीं कर पाते। चलिए, अब हमने दर्शन बाहर से कर लिए, तो फ्यूचर में कभी यहाँ आना होगा तो मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे। ये सब मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया। अभी कि हम क्या करने वाले हैं, नज़दीक में ही गुवाघर का सी बीच भी है, हम वहाँ पर चलते हैं और सी बीच देखते हैं। तो हम समुद्र किनारे पहुंच चुके हैं। आप देखो जी, सी बीच व्यू कितना शानदार और कितना एक्सक्लूसिव है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मेन जो चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है ना यहाँ पे, वो है सैंड। नीचे की तरफ आप देखो, इसको देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये आइसोलेटेड सी बीच है। भले ये गुवाघर के अंदर है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते, ऐसा मुझको लग रहा है। और इस समय गिनती के 8 या 10 लोग ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और वो भी लोकल्स ही हैं। कुछ देर पहले जब हम वेलनेश्वर से आगे हेदवी गए थे, तब हाई टाइड चल रही थी, तब आपने देखा पानी कितना आगे तक आ रहा था। अभी देखो लो टाइड का समय हो चुका है और लहरें पीछे की ओर जा रही हैं, तो हाई टाइड होगा तो वापस यहाँ तक आएंगे। चलिए 15-20 मिनट, आधा घंटा समुद्र किनारे थोड़ा टहलते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। एक और प्राचीन मंदिर है, वहाँ चलकर टेम्पल विजिट करेंगे। अभी मैं श्री दुर्गा देवी देवस्थल पहुंच चुका हूं। मैं मंदिर के अंदर आ गया हूं, मैं माथा टेकता हूं, फिर आपको स्थान के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। इन्होंने मुझे बताया, दुर्गा माता का विवाह भगवान श्री परली वैद्यनाथ जी के साथ होने जा रहा था, जो कि भगवान शंकर के ही रूप हैं। जब दुर्गा माता वहाँ विवाह के लिए पहुँची, तो परली वैजनाथ जी शाम तक विवाह के लिए नहीं पहुंच पाए, इस कारणवश दुर्गा माता वापस आ गई। तो यहाँ पर आके बाद में वो स्वप्न में आई और यहाँ पर उनका मंदिर बना। अब यहाँ पर पंडित जी क्या करते हैं कि दिन के समय उनको वस्त्र पहनाते हैं सुहासिनी के, और सुबह शाम के समय, मतलब जब ये मंदिर क्लोज होने जाता है शाम को 6:30 बजे, तो कुमारी के वस्त्र पहनाते हैं। तो ये चीज़ आपने मुझे बताई, तो मैंने ठीक बोला। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और नज़दीक में ही एक विलेज है, विलेज विजिट करते हैं, उसके बाद हम चिपलून को निकलेंगे। धन्यवाद। इस समय हम गुहागर से लगभग 4 किलोमीटर दूर वरवेली गांव बुद्ध विहार में आए हैं। यहाँ पर आने का प्राइमरी पर्पस है, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अस्थियों के दर्शन करना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय गांव के कुछ निवासी भी हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं? जा सकते। तो आप हमारी मदद कर दीजिए।
यहाँ हम तथागत बुद्ध के विहार में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि का दर्शन करने आए हैं। आज से पहले मुझे जानकारी थी गुहागर आने से पहले कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थियाँ हैं वो चैत्य भूमि मुंबई में है, तो यहाँ आने के बाद मालूम चला कि यहाँ पर भी है। नहीं, ये बात सही है, चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि है, लेकिन यहाँ के लोगों को चैत्य भूमि जाना बहुत कठिन था, इसलिए यहाँ के लोगों को 6 दिसंबर के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थि का दर्शन होना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने मांग की और उन्होंने हमें यहाँ अस्थि दिया और हमने यहाँ उनको प्रस्थापित किया है। अच्छा हो गया हमारी आपसे मुलाकात हुई और हमें यहाँ आने का मौका मिला। फाइनली रात के 9 बजे हम चिपलून पहुंचे हैं। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई थी लेकिन अब वापस लगता है स्टार्ट हो रही है। एनीवेज, हमने डिनर के लिए ये फूड जॉइंट आइडेंटिफाई किया, आप देख लीजिए, होटल अभिषेक। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि यहाँ पर आप इधर डिनर करिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए अंदर चलते हैं और फिगर आउट करते हैं डिनर में हम क्या खा सकते हैं और ऑर्डर देते हैं। मेन्यू कार्ड को स्टडी करने के बाद ना मैंने फाइनली अपने लिए क्या मंगाया आप देख लीजिए। इसमें अलग अलग ऑप्शंस थी तो मैंने अपनी बांगड़ा फिश मंगवाई, तो ये बांगड़ा फिश करी है, राइस, बांगड़ा फ्राई और ये वड़े। ये वड़े ना मैं एक बार पहले खा चुका हूँ 3 दिन पहले, तब और इसके टेक्सचर में फ़र्क है, टेस्ट इसको करके देखेंगे क्या। सोल कड़ी तो मैं पहचानने लगा हूँ, ये हरी चटनी है मुझे बताया गया, आप ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में टेस्ट करना, साथ में भाकरी। इसका जो बेस इन्ग्रीडियंट है वो राइस फ्लावर है, चावल का आटा, बाकी इसके अंदर दाल का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। फिश करी ऑन इट्स ओन बड़ी स्वाद है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा फिश करी का मजा राइस के साथ ही है। फिश करी के अंदर जो खास टेस्ट है ना वो है कोकोनट का, और मेरे को याद है जब मैं गोवा गया था ना वहां मैंने देखा था कि फिश करी में जनरली कोकोनट रहता है, और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, वेरी टेस्टी और वेरी वेल कुक्ड। बहुत सॉफ्ट है, लवली। अच्छा ये देखो जी, व्हाट अ टेरिफिक कॉम्बिनेशन, मैं सीरियसली बता रहा हूं, भाकरी और ये फिश करी मुझे पसंद नहीं आया था एज ए कॉम्बिनेशन, लेकिन ये वड़ा के साथ तो तूफान टेस्ट है। एक बात और है, इसका ना कुकिंग बड़ी ज़बरदस्त ढंग से की है। अब बेसिकली मैंने पिछले 4-5 दिन में इस प्रकार का वड़ा खाया, पहले तो मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने देखा इसमें बेस इंग्रेडिएंट राइस है, इसके अलावा दाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्वाद बहुत फर्क आ रहा है, और थोड़ा सा कुछ लोग बाजरे का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 80% राइस फ्लावर। जब मैं यहाँ आकर ओनर इंटरेक्शन कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि वड़ा ये उसमें तलते हैं ग्राउंडनट ऑयल में, तो मे बी दैट इज द रीजन जिसकी वजह से मुझे स्वाद इसका बड़ा बेहतरीन लग रहा है। साथ साथ प्रॉन्स भी टेस्ट करेंगे, प्रॉन्स मसाला। गोज विदाउट सेइंग कोकोनट इसके अंदर भी अच्छा खासा है, फर्स्ट बाइट में समझ में आता है कि बेस ग्रेवी कोकोनट है, प्रॉन्स सुपर फ्रेश है, ओवरऑल वेरी वेरी टेस्टी। पता भी नहीं चला मैंने चारों बड़े खत्म कर लिए हैं, अब फिश टेस्ट करेंगे। इस चटनी का नाम है ग्रीन चटनी, तो ये नाम से नहीं पता लगता इसके अंदर क्या है, क्योंकि रंग से ये तो ग्रीन बहुत सारी चटनी होती हैं, तो इसको हम टेस्ट करके समझेंगे इसका स्वाद कैसा है। खुशबू जरूर आ रही है चटनी से, ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है, और चटनी का टेस्ट बहुत अलग है। ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडिया में अगर किसी को बोलो ना ग्रीन चटनी, तो उससे एक ऑब्वियस सा बात होती है धनिया पुदीना, उसके अंदर बेस इंग्रेडिएंट रहते हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर नारियल, हरी मिर्च, खटास के लिए कोकम, लवली, बेहतरीन।
और ये बांगड़ा फिश फ्राई के साथ, इसका तो अपना ही स्वाद है बांगड़ा मच्छी का, और इसके साथ ये चटनी तूफान कॉम्बिनेशन है, वेरी टेस्टी। इस रीजन में ट्रैवल करने में एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप कहीं पर भी फिश खाओ ना, आपको ऐसा लगता है कि अल्ट्रा फ्रेश है। ये एक मतलब विनिंग गेम है, नो डाउट अबाउट इट। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर चाहे होटल हो चाहे होमस्टे वाला हो, जो फिश खरीदते हैं ना वो उतना ही खरीदते हैं जितना उनका एक दिन में खप जाए, मतलब अगले दिन का कैरी फॉरवर्ड अक्सर नहीं होता। इस वजह से अपने को फिश का स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। ये जो फ्राई किया ना अपना राइस पाउडर या रवा, इससे सही अपनी फिश में क्रिस्पीनेस है। पिछले 10 साल में मैंने इतनी सोल कड़ी नहीं पी होगी जितनी मैंने पिछले 6 दिन में पी ली है, सोचो आप, हर दिन लंच में डिनर में। सोल कड़ी से मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दिस इज गुड, अच्छी है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अच्छी मैंने सोल कड़ी पिछले 6 दिनों में पी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। चलो जी, अब हम बाकी का फूड फिनिश करते हैं और आपको ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमने रहने की एकोमोडेशन ली है, वहाँ पहुँच के मैं आपको रूम दिखाऊंगा, फिर आपको बाय बाय करेंगे। फाइनली रात को 11:30 बजे हम अमराबन रिजॉर्ट पहुँचे हैं, यहाँ पर आज हमारा नाइट स्टे है। आज का ये एपिसोड आप बताइए आपको कैसा लगा, हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। कल का हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे एटलीस्ट 1 बजे तक हम चिपलूण में रहेंगे और उसके बाद हम गणपति पुले को निकलेंगे, और ये जर्नी पूरी की पूरी जो हम कर रहे हैं ना, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, काफ़ी फन एलिमेंट है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बाय बाय, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। सामने देखो व्हाइट हेरॉन बर्ड, देखो ये भी एक एक्सपीरियंस है। चले हैं हम क्रोकोडाइल सफारी करने, अब हमें 45 मिनट 1 घंटा हो गया, बरसात थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मज़ा हमें फिर भी आ रहा है, भले ही हमें मगरमच्छ नहीं दिखा, लेकिन फिर भी पर्सनल लेवल पे इंजॉयमेंट फुल है।